नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन। सेक्शन 50 में ही है पूरा रिवीजन MPLRC में, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात एक्चुअली में क्या बात है रिवीजन की। तो सेक्शन 50 में जैसा मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शंस 2, 3, 4 एंड 5, इसी के सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसमें जो जो प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए ये कुछ चीज़ें हैं। द बोर्ड में इट एनी टाइम, अब ये चीज़ आप देख लेना, ये अब जितने भी आने वाले ना सब सेम ही हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ध्यान से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बाकी सब सिमिलर हैं। द बोर्ड में इट एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पार्टी कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड और प्रोसीडिंग्स इन विच एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अंडर दिस कोड बाय द कमिश्नर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी जो एक कमिश्नर है वो कोई भी ऑर्डर पास करता है, ठीक है, कोई भी केस डिसाइड करता है, कोई भी ऑर्डर पास करता है, तो क्या होगा, तो जो बोर्ड है वो किसी भी टाइम पर या तो ओन मोशन पे या फिर पार्टी ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी हो रिकॉर्ड बुलवा सकता है, ठीक है, रिकॉर्ड बुलवा सकता है। हाँ वही मतलब रिकॉर्ड बुलवा सकता है, वापस से रिवाइज कर सकता है, लेकिन कौन, कमिश्नर के ऑर्डर को बोर्ड रिवाइज कर सकता है। अब यही सेम टू सेम चीज, कलेक्टर या DS डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है तो उसका उसको उसके ऑर्डर्स को कौन बुलवा सकता है, उनके रिकॉर्ड कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस कौन कर सकता है, कमिश्नर कर सकता है, कौन, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के ऑर्डर्स को, ठीक है। अब रिवेन्यू ऑफिसर जो कि सबॉर्डिनेट टू हिम, किसके, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के जितने भी नीचे जो रिवेन्यू ऑफिसर साथ में हैं उनके रिकॉर्ड्स को कौन बुलवा सकता है, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ठीक है। अब कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हम उनको एक साथ क्यों ले रहे हैं, तो वो आगे की बात में बात में करेंगे हम लोग, अभी के लिए देख लेते हैं। इफ इट अपियर्स दैट द सबॉर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर हैज एक्सरसाइज्ड अ ज्यूरिसडिक्शन हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज अ ज्यूरिसडिक्शन और इलीगली उसने अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया या मटेरियल इररेगुलरिटी के साथ डिसाइड किया है, तो क्या होगा, द बोर्ड और द कमिश्नर और द कलेक्टर और द DSO मे मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट और ही थिंक्स फिट। तो उस टाइम पर जो कमिश्नर होगा, बोर्ड होगी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, उस टाइम पर वो जो चाहे वो उस तरीके का ऑर्डर वो निकाल सकते हैं। कब, जब भी जो भी रिवेन्यू ऑफिसर उनके सबॉर्डिनेट होगा उस टाइम पर ऐसा ऐसा होगा। नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड, भैया कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी अगेंस्ट एन ऑर्डर अपीलेबल अंडर दिस कोड, अगर उस ऑर्डर की अपील की जा सकती है तो फिर उसकी रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड इन सेकेंड अपील पास हुई, अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड इन रिवीजन, ठीक है, रिवीजन में ही पास हुआ है वो ऑर्डर, आप बोल दोबारा रिवीजन तो ऐसा नहीं होगा। अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन अंडर 210 अनलेस प्रेजेंटेड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और इट्स कम्युनिकेशन टू द पार्टी विच एवर इज लेटर, ठीक है, समझ गए ना आप। ये थोड़ा वो समझाने में इधर उधर में फालतू में आपको कंफ्यूज कर दूंगा ये पॉइंट समझाने जाऊंगा, तो या तो आप देख लेना, नहीं या तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं देखेंगे बात। द बोर्ड और द कमिश्नर और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट वेयर, क्या बोल रहा है कि जो बोर्ड है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, इस सेक्शन के अंडर वो किसी भी ऑर्डर को वेरी या रिवर्स नहीं करेंगे या फिर किसी और ऑर्डर और एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इश्यू इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट वेयर, ठीक है, भले ही रिविजन के लिए फाइल हुई हो लेकिन वेरी या जो भी डिसाइड कर दिया उस ऑर्डर को रिवर्स या वो नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ कर सकते हैं। द ऑर्डर इफ इट हैड बीन इन फेवर ऑफ द पार्टी अप्लाइंग फॉर रिविजन वुड हैव फाइनल डिस्पोज्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि जो आदमी जो रिविजन के लिए जो लगा रहा है ना
अप्लाई कर रहा है रिवीजन के लिए, तो अगर वो जो ऑर्डर था जिस ऑर्डर के खिलाफ वो रिवीजन लगा रहा है, वो ऑर्डर अगर पहले से ही उसके उसमें होता, फेवर में होता, तो प्रोसीडिंग ख़त्म ही हो जाती, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती प्रोसीडिंग। समझ रहे, मतलब कि कोई केस, अगर मैं कोई केस हुआ है मेरे ऊपर, अब मैं उसकी मान के चलो मैं अपील कर रहा हूँ, तो अपील में क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि वो मेरे मेरे खिलाफ आया है वो, समझ रहे हो ना। अगर वो जो जो वो है फैसला वो मेरे फेवर में आता, तो अगर मेरे फेवर में होता तो मेरे खिलाफ केस ही ख़त्म हो जाता। ऐसी बात कर रहा है ये कि अगर जो आदमी जिस जो रिवीजन के लिए अप्लाई कर रहा है ना, अगर वो जो ऑर्डर है जो पहला वाला ही ऑर्डर है वो उसके फेवर में आता, तो प्रोसीडिंग से डिस्पोज ऑफ हो जाती। उस टाइम पर क्या कर सकता है बोर्ड, कमिश्नर, डीएसओ, ये क्या कर सकता है, वेरी और रिवर्स कर सकता है किसी भी ऑर्डर को, या फिर और द ऑर्डर इफ अलाउड टू स्टैंड वुड ओकेजन अ फेलियर ऑफ जस्टिस और कॉज इरिपेरेबल इंजरी टू द पार्टी अगेंस्ट होम इट वॉज मेड। क्या मतलब कि अगर जो ऑर्डर है उसको भैया ऐसे ही रहने दिया ना, तो जस्टिस ख़त्म हो जाएगा या फिर एक ऐसी इंजरी हो जाएगी जो कि हमको संभाले नहीं संभलेगी, तो उस टाइम पर ऐसा काम कर सकते हैं। अदरवाइज रिविजन को, रिविजन में भी बोले ऐसा ऐसा नहीं, आप वेरी या रिवर्स नहीं कर सकते ऑर्डर को। अ रिविजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेप्ट वेयर सच प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द बोर्ड और द कमिश्नर और द कलेक्टर और द DSO। अब आपने रिविजन के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग्स पे स्टे लग गई, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस पर स्टे लग गई, तो ऐसा नहीं माना जाएगा रिविजन को। लेकिन अगर जो बोर्ड है, कमिश्नर है, कलेक्टर है या DSO, उसने खुद ही स्टे लगा दी, तो स्टे की स्टे ही है। नो ऑर्डर शेल बी वेरिड और रिवर्स्ड इन रिविजन अनलेस नोटिस हैज बीन सर्वड ऑन द पार्टीज इंटरेस्टेड एंड अपॉर्चुनिटी गिवन टू देम ऑफ बीइंग हर्ड। ये तो बिल्कुल वही नेचुरल जस्टिस वाला वो है प्रिंसिपल ये तो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑल रेवेन्यू ऑफिसर शेल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड। अब इस सेक्शन के लिए, स्पेसिफिकली इस सेक्शन के लिए जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो ऐसा माना जाएगा कि सारे के सारे बोर्ड के सबऑर्डिनेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।